ये आ गया नुमान का बेटा आ गया। ताई जी आपका क्या रिव्यू है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैफा और आप देख रहे हैं डेविड उज़ैफा। तो आज का सीन ये है कि जो चार हम दोस्त हैं कॉलेज के, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और फिर उसके बाद ये सीन है कि इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद का टूर करेंगे और किस पर जाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा हैवी बाइक पर तैयार है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। आप ये देख लें, ये मेरा हैवी बाइक तैयार है। इसको मैंने धुलवा लिया था, सारी चीज़ें इसकी मैंने करवा ली थी सही। अब बस ये रह गया कि इसके अंदर पेट्रोल डलवाना है, तो वो डलवाएंगे। उसके बाद बाकी आपको सारे दोस्तों से मिलवाऊंगा। तो ये पहला दोस्त आ गया, इसका नाम है आशिर और ये हमारा कॉलेज का दोस्त है। तकरीबन 3 साल बाद जो है ना टूर कर रहे हैं। तो यार दो दोस्त आ गए हैं दोबारा, तो इनसे मिलते हैं। और ये जो पीछे बैठा है इससे तो काफी अरसे बाद ब्लॉग में पहले ही जो है ना। अस्सलाम वालेकुम अजीज, क्या हाल है भाई बेटो? अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में हैं। फिर चले आगे इस्लामाबाद की तरफ, चलो डायरेक्ट चलते हैं जी। आप बैठे, आप मेरे साथ आ जाओ। अच्छा तू उसके साथ चला जा, ठीक है। चलो जी, मुझे लग रहा है बाइक खराब हो गया इसका पहले ही। नहीं नहीं, तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। चलो कोई नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है यार आज, बड़ा प्यारा लग रहा है। नुमान दोस्त है संजानी से और ये भी संजानी से आया है। अशर वहां में रहता है मेरे साथ। चलो सही है, आओ चलें जी, आओ चलें। जमाल الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربي دنيا کی سب سے بڑی جو پول ہے اس سے گزرنے جا رہے ہیں। आराम से यार, नीचे बड़ा बड़ा खतरा है, खतरे वाली जगह है ये, खतरे वाली जगह है। तो अभी जा रहे हैं आगे, ये आ रहे हैं दो, एक तो कोई शादी पे आया है, ये शादी वाली में भी आया था। देखी भाई, इस बाइक को पुलिस स्टेशन से उठा के लेके आए। ये एक नुमान और एक अनीस, ये आ गया नुमान का बेटा आ गया। यार सीन थोड़ा सा बैड हो गया, वो ये हुआ है कि जो बाकी 3 दोस्त है ना वो बाहर ही उनको रोक लिए, और मेरा ये हुआ है कि मैं जो है ना वो इंटर हो चुका था। अब ये है कि बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले जाके फिर टिकट करवाऊंगा, उसके बाद जो है ना जाकर खाना खाएंगे। एक तो सबसे पहले सबसे ज्यादा भूख मुझे लगी हुई है और दूसरे पे इसको लगी हुई है, इसलिए हम फौरन जा रहे हैं। जो बाकी है वो अपनी स्टिक्स बना रहे हैं, तो चलते हैं। मेरे ख्याल से पिज्जा तैयार हो गया होगा। तो फाइनली आ गया हमारा लार्ज पिज्जा ब्रॉडवे, और ये देखें जी क्या चीज़ है, इतनी सी बस चीज़ निकली है और ये तो नीचे माशाल्लाह गिर रहा है। तो खाते हैं अब इसको, ट्राई करते हैं कि कैसा है, केचप लगाएं जानते उसके बाद टेस्ट करें। बहुत ही मजे का यार पिज्जा ब्रॉडवे लार्ज बारबेक्यू, बहुत अच्छा है यार। सो ले लिए टिकट्स। फिर भौंकना शुरू कर दे माला, जट तेरे सामने खलोते ही। माला जट तू ना सुनिया ना ना, पे मजाक करेगा ते मर जाएगा।
अच्छा मौला जट देख आए हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ठीक है, अब दोस्तों से रिव्यू लेते हैं कि उनको कैसी लगी है। मेरे तो 10 out of 10 है। तो अब सबसे पहले नुमान से लेते हैं कि उसका क्या रिव्यू है। ये नुमान साहब खड़े हैं, बताएं जी आपका क्या रिव्यू है। वो भी थी नहीं यार, सही से बता। 10/10 फिर थी। आशिर साहब आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी थी और मैं सबको यही कमेंट करता हूँ कि आप इस तरह की मूवीज देखें, क्योंकि जो लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि पाकिस्तान की मूवी सिर्फ प्यार व्यार और इस तरह पर चलती है, तो ये एक नई आपको चीज़ दिखाई जा रही है जो कि सबको देखनी चाहिए और इसको प्रमोट भी करना चाहिए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मजीद देखने को मिले। सर रिव्यू लेते हैं, नीज बता कैसी लगी तुझे मूवी? यार मूवी अच्छी थी, बड़े मजे की थी, हमें और भी बड़ा मजा आया। वो डायलॉग बताना मौला को, मौला ने मौला ना मारे थे, बाकी मौला मरता नहीं है। आ गया खाना, आ गया है, बहुत कमाल का लग रहा है। सेवर फूड जो है ना अपने ये चावलों की वजह से मशहूर है, बहुत ज्यादा, बहुत VIP। चलो इसको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसे हैं। टेस्ट करते हैं बॉडी के साथ, बॉडी करते हैं ये कैसे है। सादा चावल चेक करते हैं, ताज़ा यार, बहुत अच्छी है। अच्छा हम सब लोगों ने ना जो है खाना खा लिया था, तो ये जो दो है ना इन दोनों ने हमें सरप्राइज दे दिया आखिर में जब हम खाना खा रहे थे। तो फिर हमने इनके लिए भी मतलब हम लोगों ने सारों ने फिर मिल के सारा कर लिया। तो अब यह है कि यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। अनीस साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं? आपने इस वीडियो को बिल्कुल लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, समझ रहे हो ना। चलें जी, इन्होंने ये कह दिया। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।